नवंबर माह में सामान्य वजह से जैसे सर्दी बढ़ती है, प्रदूषण की समस्या रही है और उसके पीछे कुछ हरियाणा में, पंजाब में, सीमावर्ती राज्यों में जो किसान पराली जलाते हैं उसके कारण जो धुंध उत्पन्न होती है उसके कारण भी प्रदूषण बढ़ता है। सरकार अपने स्तर पर सभी अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बड़े स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए और जो इस तरह के धुंध उत्पन्न करने वाले विषय हैं उन पर भी नियंत्रित किया जाए। जैसे NCR के आसपास भट्टा के संचालन पर भी ईंट भट्टों की रोक लगी है, तो सरकार की तरफ से कारगर प्रयास इस विषय में हो रहे हैं और प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और हम सबको उससे मिलकर पार पाना है। क्या उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं या फिर सरकार विरोधी बयान देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं, खासतौर पर मुरादाबाद जनपद में आके? ओम प्रकाश राजवर्जी सरकार के मंत्री हैं, हमारे सहयोगी पार्टी से जुड़े हैं, उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है। अगर हमारा उनका राजनीतिक एजेंडा कॉमन हो तो फिर वो हमारे दल का ही हिस्सा हो, तो वो हमारे दल का हिस्सा नहीं है, हमारे एलाइड पार्टनर है और उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने विस्तार, अपने राजनीतिक विचारधारा का, अपनी पार्टी के विस्तार का अधिकार है उन्हें। जहाँ तक सरकार के खिलाफ बयान देने का मामला है, वो अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं सामूहिक नेतृत्व की भावना के विपरीत है, क्योंकि सरकार का, जो सरकार निर्णय कर रही है, जिसकी से आलोचना वो कर रहे हैं, वो सरकार का हिस्सा है। सरकार जो भी निर्णय करती है वो मंत्रिमंडल निर्णय करता है, तो उस मंत्रिमंडल का वो भी हिस्सा है। मुझे लगता है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, राजनीतिक जहाँ तक विषय है, राजनीति वो उनकी अपनी पार्टी है और उन पार्टी का विस्तार बढ़ाएं, जनाधार बढ़ाएं, ये स्वाभाविक है, लेकिन सरकार की आलोचना सरकार में रह के उन्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक।